Jemmeni. Hologram. Hello, Commissioner Shyam Sundar here. क्या मर्डर? जी हाँ सर, और खूनों में मंत्री सदाचार्य जी का बेटा महेश भी शामिल है। क्या मेरे बेटे ने खून किया, रेप किया? इसका मतलब वो छतरी से टोपी पे आ गए हैं? लेकिन सर, ये बलात्कार, खून, ये बहुत बड़े जुर्म होते हैं सर। मेरा बेटा अपने बाप के रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि कल राजनीति में उसे मेरी कुर्सी संभालनी है। राजनीति में आने के लिए मैंने भी अपने गुरु वीकेवी को टोपी पहनाकर उसकी गद्दी पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि ये बेईमानी के धर्म का पहला उसूल है। लेकिन अब ये बताइए, मेरे लिए क्या हुक्म है? ये भी मुझे बताना पड़ेगा, तुम किस मत के दबाओ? अच्छा सुना, हम जैसे नेताओं की जहां तुम गलतियां दफनाया करते थे, उसके करीब एक गदा और खोदो और वहां मेरे बेटे की गलतियां दफना दो। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बेटी है, ये बहुत नाजुक है, ये बहुत है। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना इसे। इंद्रजीत, मेरी बच्ची। दाह संस्कार आत्मा की मुक्ति के लिए होता है। तुम नीलू के मोक्ष के बीच दीवार क्यों बंध रहे हो? अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो इंद्रजीत। Woo!
पत्थर की किसी की भी मार का दर्द हो मैं सह लेती हूँ, लेकिन आग से मुझे बहुत डर लगता है, मैं जलना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेरे गुनहगारों को सजा दिला करी मैं ये अस्थियां गंगा में पाऊंगा। हाँ तो विष्णु, तुमने केस क्लोज कर दिया? साफ तेल लगा के डंडा साक्षी के मुंह में किया, इधर साक्षी का मुंह बंद उधर केस बंद। मिठाई कितनी मिली? 2 किलो सर, 1 किलो आपके हिस्से की अलग रखी है। गुड बहुत तरक्की करोगे। वो आदमी आज फिर मिलने आ गया। क्या साला इंद्रजीत, इसने मेरे नाक में दम करके रखा है, भगा दे उसको। अभी भगाता हूं साले को, चलो। सुनो ए साहब, बहुत बिजी है, कल नहीं तो परसों आना। कल परसों नहीं, मुझे आज ही मिलना है। आप शायद जानते नहीं मैं कई दिनों से यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ। हम क्या करेगा साहब के पास टाइम नहीं है तो? टाइम नहीं, मैं निकलता हूँ टाइम तुम्हारे साहब की कड़ी से। देखो तुम इस तरह अंदर नहीं जा सकते। आज मैं कमिश्नर से मिलकर रहूंगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। देखो ऐसे गुंडागर्दी मत करो वरना। गुंडागर्दी मैं नहीं तुम लोग कर रहे हो, मैं कमिश्नर से मिलने आऊँ मिलकर रहूंगा। हाथ उठाते मारते पुलिस वाले को। मैं कहता चुप। ए, ये क्या हो रहा है? कमिश्नर साहब देखिए क्या सुलूक कर रहे हैं आपके आदमी मेरे साथ। देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि कमिश्नर के ऑफिस में आकर पुलिस वालों पे हाथ उठाए? अब भी इतनी गर्मी है तुम्हारे खून में हरामजादे? गाली मत दो कमिश्नर, गाली मत दो फंडा मैं। ए चुप, तुम्हारे बदन से वर्दी उतर गई लेकिन तुम्हारी चर्बी नहीं उतरी। इसको कहीं ले जाकर इसकी इतनी पिटाई करो कि अगर ये दोबारा पुलिस की तरफ नजर उठाकर देखे तो इसके हड्डियों में दर्द होने लगे। दर्द का रिश्ता तो मेरी आत्मा से जुड़ चुका है कमिश्नर साहब। जुल्म और अत्याचार से तुम मेरे शरीर को खत्म कर सकते हो लेकिन इंसाफ और न्याय के लिए पुकारती भी मेरी आत्मा की आवाज नहीं दबा सकते। इस केस की फाइल में खुलवा करूंगा कमिश्नर। अच्छा, स्पेशल स्क्वाड को बुलाओ और बंद कर दो इस हरामजादे की जुबान। What?